सपने में खुद को मरा हुआ देखना। हाय लवली पीपल, हाउ आर यू डूइंग गाइस? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई मेड एनी वीडियो, इट्स अ रिक्वेस्ट वीडियो। इन द मॉर्निंग आई हैड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड ही सेड, मैम आज मैंने सपने में खुद को मरा हुआ देखा। एंड ही वॉज लिटरली स्क्योर्ड, ही वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या ड्रीम था, मैं बहुत डर गया। एंड ही वॉज लाइक शिवरिंग एंड ही सेड लाइक आई वॉज स्वेटिंग एट नाइट। तो मैंने बोला इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन ड्रीम। तो इट्स अ रिक्वेस्ट वीडियो एंड ही आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अक्सर ऐसा होता है कि सपने में हम खुद को मरा हुआ देखते हैं एंड जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हम खुद को मरा हुआ, नोबडी वॉन्ट्स टू डाई, यू नो इट्स लाइक इट्स अ फिनोमिनन कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव मोर एंड मोर। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि जस्ट रिलैक्स, चिलैक्स, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ गुड ड्रीम, येस पॉजिटिवली बहुत अच्छा ड्रीम है। अगर आप खुद को सपने में देखते हैं कि आप मर गए हैं, यू सी लाइक यू हैव अ ड्रीम इन विच यू ऑलरेडी डाइड, तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ काइंड ऑफ न्यू चैप्टर फॉर यू, इट्स अ काइंड ऑफ बिग चेंज इन योर लाइफ। अगर आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, यू आर जस्ट मेकिंग प्लान्स इन योर हैड एंड यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से, तो येस इट्स अ हाई टाइम टू डू दैट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, यू नो मे बी इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे कि मैं इस तरह से हूँ, मतलब आई हैव कल्टिवेटेड दोज हैबिट्स विच आर नॉट वर्किंग इन माई लाइफ, तो आपका पैटर्न चेंज होगा एंड आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा साइन है, इसमें डरने का मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ओके, मे बी यू विल जस्ट गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बहुत टाइम से आप एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर लाइक बींग लिथार्जिक और मे बी मोनोटोनस और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो येस इट्स अ गुड साइन दैट यू नो इट्स अ साइन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आप बाहर निकलोगे और कुछ बड़ा करोगे एंड इट कैन बी रियली इंटेंस, यू नो, इन मैनी एस्पेक्ट्स। और अगर यस, हाँ एक और बात गाइज, ये एक बात है कि मैं ये ना प्रिपेयर्ड वीडियो नहीं है, रैंडमली एक कॉल आई तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती वीडियो, तो इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक तो सॉरी, आई अपोलोजाइज थ्रू माई हार्ट। तो देखो जैसे अगर आपको कहीं से हेल्प होती है, ठीक है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ, लाइक यू नो बींग स्पिरिचुअल एंड हैविंग रिलीजियस वैल्यूज एज वेल, तो दिस वीडियो इज टू हेल्प यू आउट, नॉट टू जस्ट यू नो मिसगाइड यू या मिसलीड यू। हाँ, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है, यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये भी एक अच्छा साइन है बिकॉज देर वुड बी अ गुड बाय टू योर पार्ट टू दैट सेल्फ, राइट? और इट्स काइंड ऑफ मे बी रिलीजिंग, मतलब व्हाट नो लॉन्गर यू नो सर्व्स यू, कुछ ऐसी चीज जो बहुत टाइम से यू हैव बीन जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू कुडंट हेल्प इट आउट, आप बाहर निकलना चाह रहे हो लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। तो अगर आपने सपने में देखा कि आप मर गए हो, इसका मतलब कि जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना, वो डाई हो गया, मतलब वो दैट इज नॉट एनी मोर इन योर लाइफ, तो आप नया कुछ करोगे या फिर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे आपका ब्रेकअप हो गया, आप न्यू मतलब आपको लाइफ पार्टनर या फिर न्यू रिलेशनशिप में आप जम्प कर सकते हो, ठीक है, इट्स अ गुड साइन। और मे बी इट्स अदर आस्पेक्ट ये हो सकता है कि ब्रेकिंग अ बैड हैबिट, यू हैव बीन यू नो फॉलोइंग सम हैबिट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप अपने न्यू हैबिट्स जो है कल्टिवेट करेंगे, ओल्ड हैबिट्स से आप गेट रिड ऑफ हो जाएंगे, है ना? और इट्स अ काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो, ये ऐसा ड्रीम अगर आपको आता है तो आप न्यू सिटी में भी जा सकते हैं, मे बी यू विल गेट प्रमोटेड टू लाइक सम अदर डिग्निफाइड पोस्ट और मे बी यू जस्ट गो टू सम अदर प्लेस वेयर यू वुड फाइंड योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन, मे बी ये एक न्यू करियर भी हो सकता है, यू विल गेट अ न्यू जॉब ऑल्सो, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ गुड टाइम, यू नो इट्स अ डिवाइन टाइम, यू कैन जस्ट यू नो स्विच टू अदर जॉब, ये भी हो सकता है। और इट्स अ साइन ऑफ लेटिंग गो ऑफ अ फियर, आपके दिमाग के अंदर कोई डर है बहुत टाइम से, वो चीज़ आपको अंदर से खाई जा रही है, तो आप उससे भी आप गेट रिड ऑफ हो जाएंगे। इट्स समथिंग पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल, यू नो अच्छा है ड्रीम, तो आप डरो मत, ठीक है। ये उस बच्चे के लिए वीडियो थी, लेकिन लाइक और लोगों को भी ऐसे ड्रीम्स आते होंगे एंड दे फील लाइक दे पैनिक समटाइम्स, तो ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगी।
तो एक ओवरऑल मैं एक व्यू दे देती हूँ कि इट्स अ गुड साइन, इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है. यू कैन जस्ट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, न्यू करियर, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर न्यू रिलेशनशिप में जंप कर सकते हो. मतलब ओल्ड सेल्फ जो है ना, डेथ को आप बुरा मत मानो, डेथ जो है वो एक बहुत रियल फिनोमिनन है, वो ही एक सच है. यू नो डेथ एक सच है और जो हम जी रहे हैं ये तो एक भ्रम है, इट्स इल्यूजन. लेकिन लोग सोचते हैं नहीं ये है, ऐसा नहीं है. डेथ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हम ये कि दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम सपने में मर जाते तो वी फील लाइक ओ माई गॉड ये क्या हो गया, मैं तो मर गया. एंड आई एम नाउ हाउ विल आई जस्ट यू नो फुलफिल माई ड्रीम्स, मैं आगे क्या करूंगा, मेरे घर वालों का क्या हो गया नॉल. तो ये सब चीजें होती हैं. तो आप परेशान मत होइए, इट्स अ वेरी गुड ड्रीम, वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस. ठीक है, सो आई होप इट वुड हेल्प. टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी संडे, क्योंकि कल संडे है तो मुझे पता है जाते बच्चे घूमने के लिए जाएंगे. ओके, तो बहुत टाइम से मेरी आवाज भी नहीं सुनी होगी बच्चों ने. तो ये एक वीडियो है क्योंकि आज टुडे आई एम स्टेइंग होम, कहीं गई नहीं हूं मैं बिकॉज काफी काम था घर पे. तो चलो फिर, हैप्पी सैटरडे संडे, हैप्पी वीकेंड, खुश रहो. जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय गौरी शंकर, राधे राधे, जय श्री राम. और बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज.